हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। चलिए पहले इसकी हम मेजरिंग कर लेते हैं। तो अस्तर पे मैं आपको इसकी मेजरिंग जो है समझा दे रही हूँ। जो इसकी लेंथ मैंने ली है वो 14 इंच लेंथ ली है, मतलब इसकी जो फिटिंग है 13 इंच की है। तो मैं इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर 14 इंच लिया है बैक में, और चेस्ट 34 का है तो 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। फिर हम इसका तीरा मैंने लिया है यहाँ पर 6 इंच, और ये जो आर्म होल की गुलाई मैंने 5.5 ली है। अब हमें इसकी गले की ड्राफ्टिंग से पहले क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे। बहुत ही सिल्क कपड़ा है, इसलिए मैं इसके साथ एक साथ ही जो है ना बकरम अटैच नहीं कर रही हूँ। पहले मैं इसको अस्तर के साथ पूरा ज्वाइंट करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, पहले मैं एक साथ ही कर देती थी, लेकिन ये ना काफ़ी सिल्क कपड़ा है जिससे गला का ये भी हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। इसलिए हम ना पहले इसके नीचे से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि नीचे से मैं इसको सील कर पलट लूँगी, इसमें नीचे हेमिंग करने की जो है ना वो झंझट नहीं रहेगा। तो इसे मैं इस तरह से स्टिच कर ले रही हूँ नीचे से। और अस्तर हमारा देखिए, अस्तर मतलब जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे मैंने सीधा रखा है। अब सीने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलटेंगे, और पलटने के बाद जो हमारा मेन कपड़ा है ना उसको ऊपर की तरफ रखकर इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अस्तर और मेन कपड़ा को इस तरह से फैलाकर जो मेन कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ रखकर हमें इस पर सिलाई लगाना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस दोनों को अस्तर और मेन कपड़ा को एक साथ ही ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट मतलब इसको एक साथ हम ज्वाइंट कर देंगे तो गला बनाना आसान हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से सिलते हुए नीचे से पूरा अच्छे से कपड़े को सेट कर देना है। और अभी आप देख सकते हैं ना बैक में डिज़ाइंस है जो कढ़ाई की है, जो हमारे जो प्रिय कस्टमर हैं उनको नहीं चाहिए, तो इसे हटाकर हम कुछ डिज़ाइन डाल देंगे इसमें। तो इस तरह से हमें ऊपर से पहले, और ये सिलाई जो अब लगेगी वो हमारी बड़ी सिलाई लगेगी, छोटी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ये तो कटिंग में सिलाई में चली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा दी है। आर्म होल की तरफ आएंगे इसको सिलते हुए। देन इसके बाद हम पूरा नीचे की तरफ आ जाएंगे इसको सिलते हुए। एक साइड सिलाई करने के बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सेम सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड से मैं नीचे से सिल रही हूँ इसको, और नीचे आपने पहले देखा था, इसके नीचे हमने सिलाई पहले ही लगा ली है, तो नीचे हमने दोबारा सिलाई नहीं लगाया। अब इसमें ना जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें काट कर निकाल देना है, मतलब मेन कपड़ा हो या अस्तर हो उसे हमें काट कर सफाई से काम जो है रखना है। तो यहाँ से मुझे ये मेन कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है, मैं इसे काट करके निकाल दूँगी। अब ये तो हो गई हमारी। अब हमें ना इसके लिए गला जो है तैयार करना है, तो यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। उससे पहले अगर आप चाहे तो फ्यूजिंग पेपर डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं गले का। आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर ही निशान लगा लूँ पहले। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, और अब इस पर गले की मार्किंग के लिए हम यहाँ पर पहले दोनों को पल्लों को एक साथ इस तरह से, सिल्क कपड़ा है ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिल्क कपड़ा हो तो पिन लगा लगा के काम करें ताकि आपकी जो पूरा परफेक्ट स्टिचिंग हो। 2.5 इंच हम इसकी जो है चौड़ाई ले रहे हैं, लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं। नीचे से जो होगी 3 इंच की हो जाएगी, 0.5 इंच ज़्यादा होगा नीचे, और इसको इस तरह से गोलाई करते हुए हमें निशान लगा लेना है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करके रखना है, और उसके बाद हमें इसको इस तरह से एक सिंगल पार्ट कर लेना है। यहाँ से जो हमें दिखाई दे रहा है ना उसको हमें सेम निशान लगा देना है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, इस पर छापा डालना है, और ये दूसरी तरफ भी निशान डल गया है तो इसको भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और इससे थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने 1 इंच लिया है, इस तरह से निशान लगा दिया है।
अब इसको सिलना कैसे है, पहले आपको इसकी जो है ना साइड वाली पार्ट कट कर लेनी है। आप चाहे तो पूरा गले का सिर्फ शेप रख के भी बना सकते हैं। मैं इसको पहले साइड वाला पार्ट जो है कट करके निकाल दूंगी। और अभी इसको हम सेम जैसा भी कपड़ा हो, जैसे आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो अलग भी ले सकते हैं क्योंकि अंदर ही जाएगा, तो अभी हम इसको नाप का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर इसको काट लेंगे। और जहाँ से गोलाई शेप बना है वहाँ वहाँ में गोलाई दे देना, जैसे यहाँ पर भी हल्का गोलाई बना है वहाँ भी दे देंगे, इधर भी हल्का गोलाई बना है तो यहाँ भी दे देंगे। इससे क्या होगा, सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इसको सिलते जाना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है हमने फोल्ड कर करके सिलते जाना है इसको। ये देखिए यहाँ पे जितना भी कपड़ा हमारा है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये सिलाई हो गया है ना, तो हमें ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जो है काट कर निकाल देना है। और अभी इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बीच से एक कट पॉइंट लगाना है। सेम इसी तरह से हमें ना मेन कपड़ा जो है उसमें भी बीच से कट पॉइंट लगाना है। इसको भी फोल्ड करना है और हल्का सा कट पॉइंट लगाना है। और अब हम इसको सीधा तरफ से रखेंगे और ये वाला जो है बकरम वाला पार्ट उसको इस तरह से रखेंगे। इसके बीचों बीच हमें पिन लगा देना है, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमने एकदम बीचों बीच इसके क्या करना है, दो या तीन पिन लगा लेना है, जिससे क्या हो एकदम सेफ्टी सिक्योर हो जाएगा। और सिक्योर हो जाएगा तो हमारा जो है बकरम इधर उधर नहीं हिलेगा और हम अच्छे से आसानी से इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए लगा दिया। और अब इसको हम सिलना शुरू करते हैं। तो सिलाई जो हमने करना है एकदम जो हमने निशान लगाया है उस पर ही सिलाई करना है। पहले से हमने गले का निशान लगाया है ना सिलाई करके, उसी पर हमें इसको सिलते जाना है, सिलते जाना है। और देखिए एक बार में ही सिलाई जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने पिन लगा दिया है ना, कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। अब पिन निकाल देंगे और थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर, थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट छोड़कर हम ये सारा कट कर लेंगे इस तरह से। अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम थोड़ा सा और कपड़ा जो है छाँट देंगे, क्योंकि ज़्यादा मोड़ने से क्या होगा, इसमें ना चुंस जैसे पड़ जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कट्स पॉइंट लगा देना है ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग है इसकी अच्छी आए। अब इसको हमें पलट लेना है। पलट लिया इसको। पलटने के बाद हमें एक सिलाई यहाँ पर लगानी है, बकरम जो लास्ट बकरम है पॉइंट वहाँ से, थोड़ा सा इधर साइड से भी छोड़ के आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ सिलाई लगाने से ये एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। और मैंने इसके किनारे पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा काम करना है, इसीलिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है। और ये राउंड नेक भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं बकरम के तरह से, जैसे बकरम में आपको तैयार करना हो। अब हमें दो जो है ना बैक में प्लेट तैयार करते हैं, वो प्लेट्स बना लेनी है। तो बैक की प्लेट्स हो गई हैं तैयार। चलिए अब इसमें डिज़ाइन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ना डिज़ाइन जो हमने बनाना है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर पट्टीस जो ले रहे हैं वो मैं यहाँ पर ना दो इंच की जो है पट्टी रख रही हूँ। और इसी तरह से हमें बहुत सारी पट्टियाँ जो हैं कट कर लेनी है और इसे हमें स्टिच करना है कट करके, इस तरह से कट करना है। अब इसको इस तरह से हमें
यहाँ से जो है ना एक्स्ट्रा ख़राब है उसे निकाल देना है। और अभी इसको इस तरह से हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। उसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काट कर निकाल देना है। देन इसके बाद हमें पेचकस की हेल्प से इसको पलट लेना है, क्योंकि ये मोटा है तो पेचकस की हेल्प से ये पलट जाएगा। जैसे हमें डोरी पलटना होता है वैसे इसको हमें पलट लेना है। ये देखिए इसको हमने पलट लिया। और अब इसको हमें कट कैसे करना है, इस तरह से पहले फोल्ड करके देखना है। और ये लगभग हमारी 2 इंच की जो पट्टियाँ तैयार होंगी, इस तरह से हमें ढेर सारी पट्टियाँ कट कट करके रख लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ जो है कट कर ली हैं, जिसे लुपियाँ भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं तैयार करना। सबसे पहले आप इसको फोल्ड कर करके ना इतना सिलाई लगा दें, इससे क्या हुआ आसानी रहेगा। क्योंकि ये कपड़ा जो है सिल्क है इसलिए मैं इसे कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं गले में लगा देती लेकिन अभी ये कपड़ा बहुत सिल्क है जिससे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको पहले हाथ से इसको पकड़ पकड़ के फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी सारा का सारा। जितने पीसीस हमारे हैं सभी को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पीस को इस तरह से स्टिच किया है। और अब हमें इसको किस तरह से अटैच करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे सभी पीसेस को अलग करेंगे काट काट कर, और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें काट के निकालते जाएंगे कपड़े को इस तरह से बारी बारी। सारे पीसेस को हमें अलग कर लेना है और जितना एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कपड़े को इस तरह से काट काट कर अलग करते जाना है। इससे क्या होगा काम जो होगी एकदम सफाई से होगी। सारे मैंने पीस कट कर लिए हैं। अब चलिए इसको स्टिच कैसे करते हैं। हमें क्या करना है जो हमारा राउंड नेक है उसमें इसको अटैच करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने अटैच करना है, सभी पीस को एक साइड कर देंगे और यहाँ से लगाना शुरू करना है। ऊपर से मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा है क्योंकि हमारी वो सिलाई में चली जाती है, और जो हमने सिलाई किया था उससे थोड़ी सी नीचे सिलाई करना है। जो हमने पट्टियों में जो हमारी लुपियाँ हैं मैंने सिलाई किया ना, इसमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ हमें सिलाई इसको लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, और स्पेस जो छोड़ना है आपने ना एक एक उंगल की स्पेस छोड़नी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक एक उंगल के डिफरेंसेस में आपको इसको सारी पट्टियों को इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए मैंने सारी पट्टियाँ जो हैं इसमें लगा ली हैं लुपियाँ। और अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट वर्क जो इसमें आता है वो है ये डोरी। तो डोरी आप गोल्डन भी ले सकते हैं, मैंने सेम कलर थोड़ा मैचिंग करते हुए लिया है। एक तो आप इसको पेचकस की हेल्प से भी लगा सकते हैं, दूसरा आप सुई की हेल्प से लगा सकते हैं। सुई से इसको थोड़ा सा सील दें और सुई के जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे इस डोरी में फंसाते जाएंगे और ये डोरी जो है बाहर आता जाएगा। इस तरह से सभी को हम इसी तरह से लगाते लगाते डोरी को बाहर निकालते जाएंगे। देखिए इस तरह से,
यहाँ तक इसको लेकर आए हैं, सेम इसी तरह से हमें पूरा राउंड घुमा के लेके जाना है इसको, और ऊपर से हम स्पेस छोड़ दिए हैं और इस क्योंकि ये स्टिच हो जाएगा बाद में जाकर, इसीलिए हमने थोड़ा ऊपर ऊपर छोड़ दिया है। और अब हो गया ये काम, अब हमें इसमें लगाना है लेस। तो लेस के लिए आप जैसा आपको पसंद है गोल्डन सिल्वर लगा सकते हैं। आई थिंक ग्रीन में गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने गोल्डन कलर का लेस लिया है। और अब इसको हम कहाँ लगाएंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी ना पहले जब बकरम लगाया था, उसी सिलाई पर हमें इस लेस को अटैच कर देना है। ये लेस लगाने के बाद हमें एक नीचे भी लेस लगा लेना है यहाँ पर। जहाँ हमारी कमर साइड होती है वहाँ पर लगानी है ये। तो देखिए नीचे भी लेस लग गया है। अब हमें इसमें लगाना है डोरी। तो डोरी के लिए हमें पहले लटकन तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा गले से कपड़ा निकला था ना, उसी को मैंने इस तरह से चार भाग में कट किया है, और अब इसके अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। जो इसमें स्टोन्स है ना उसे मैं निकालते हुए सील रही हूँ कि इस तरह मेरा सुई जो है टूटे ना। एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें काट कर इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हमें इस पर लगाना है लेस इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए। तो हम सेम इसी लेस का यूज़ कर रहे हैं, इसके किनारे पर लेस लगा रहे हैं। ये वाला लेस हम इसी तरह से सभी को पलट पलट कर चारों पीसेस में लगा लेंगे। इसको भी इस तरह से हमें पलट लेना है चारों पीस को, और इस तरह से हमें इस चारों में जो है लेस अटैच कर लेना है। लेस लगाने के बाद अब हम इसमें डोरी में फिक्स करेंगे। तो यहाँ से इसको रखना है और इस तरह स्टिच कर देना है। दोनों डोरियों में सेम इसी तरह से हमें काम करते जाना है। एक्स्ट्रा जो ये दिख रहा है ना उसे हमें काटते जाना है। दूसरी वाली में इसको पलट के दूसरा वाला हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूरी पर फिक्स कर देंगे। इसका भी एक्स्ट्रा जो है काट कर निकाल देंगे। और अभी हम फिक्स कर देंगे इसको। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट जो है लगा लेंगे। इसको भी एक्स्ट्रा वाला जो है काट कर निकाल देंगे। और ये लटकन ना आप डेली वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा लटकन है। और ये जो डिज़ाइन है वो भी आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देन अब इस लटकन को हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको हम अटैच करते हैं अपने ब्लाउज के नेक में। तो आपने ना चार उंगल छोड़ के इसे अटैच कर लेना है। यहाँ से निकालने से थोड़ा डोरी नीचे चला गया था, तो मैं डोरी को ऊपर की तरफ खींच लूँगी। जब आप नेक जोड़ेंगे ना दोनों पल्लों की, तो ये डोरी भी स्टिच हो जाएगा। ये देखिए दूसरी लटकन हमें सेम इसको मापते हुए लगा लेना है।
हमारी ब्लाउज़ है कंप्लीट हो चुकी है। 34 साइज़ की चेस्ट की ब्लाउज़ है और इसकी नेक बहुत ही सुंदर लग रही है। डेली वेयर में आप यूज़ कर सकते हैं, जन्माष्टमी आ रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं और अभी रक्षाबंधन में भी आप इसे पहन सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।